नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी। आइए नजर डालते हैं देश व दुनिया की दिन भर की खबर। आने वाले समय में बीजेपी सरकार की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। पहले किसान आंदोलन, फिर पहलवानों का मामला और अब भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की लगातार बढ़ती यादव समाज की मांग। और आज महेंद्रगढ़ के गोद ब्लॉक गांव में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज के साथ 36 बिरादरी के लोगों ने की महापंचायत। हरियाणा राजस्थान सीमा पर बसे गांव गोद बलाहा में हुई महापंचायत। हजारों की तादाद में महिला व पुरुष हुए शामिल। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों से पहुंचे लोग। चारों तरफ लगा एक ही नारा, जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा वोट वही पाएगा। 2022 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अहीर रेजिमेंट नहीं बनने पर दी चेतावनी। अगर सरकार नहीं मानी और अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं किया तो खुलकर किया जाएगा भाजपा का बहिष्कार। नांगल चौधरी से बीजेपी के विधायक अभय सिंह यादव ने दबी जुबान में दिया व्यक्तिगत समर्थन। कुछ ही पलों में हुए महापंचायत से नदारद। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के समर्थन में पहुंचे उत्तर प्रदेश से आए लोगों ने कहा कि काफी लंबे समय से अहीर रेजिमेंट की मांग उठ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे यह मांग जोर पकड़ रही है और अब ग्रामीण आंचल से भी यह मांग उठने लगी है। अगर अभी भी सत्ताधारी केंद्र सरकार ने अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं किया तो 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतेंगे। हरियाणवी सिंगर MD भी अहीर रेजिमेंट के समर्थन में नारनौल के गांव गोद बलावा पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह मांग बिल्कुल जायज है। पहली ऐसी कौम है जो देश पर मर मिटने के लिए अपनी रेजिमेंट मांग रही है। सरकार को जल्द इस मांग को मानना चाहिए, अन्यथा 2024 अब दूर नहीं है। महिलाओं की भागीदारी भी इस महापंचायत में देखने को मिली। बुजुर्ग महिलाएं भी कहती नजर आई कि अहीर रेजिमेंट हक है हमारा और हम इसे लेकर रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम अपने तरीके से अहीर रेजिमेंट लेकर रहेंगे। रिपोर्ट भगवत शर्मा, स्थान नारनौल। मेरे को 55 साल हो गए देखते कि हीर रेजिमेंट बननी चाहिए और अभी तक बन नहीं पाई। अब कुछ उम्मीद है अगर बन जाए तो, अगर नहीं बनी तो फिर नहीं बनेगी कभी भी। देखिए, हमारी मांग अहीर रेजिमेंट को लेकर है और जो पिछले तकरीबन कई सालों से चली हुई है और लगातार 4 फरवरी से खेड़की डोला में भी अहीर रेजिमेंट का धरना चला हुआ है, इसको लेकर लगातार यादव समाज, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे गोद बलावा की बात हो, लगातार यादव समाज इस पे प्रयास कर रहा है। पर अब तक कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, इस पर अब तक किसी चीज का गौर नहीं किया। क्योंकि पिछली बार भी जब 18 नवंबर को खेड़की डोला में रोड जाम करने की कॉल दी गई थी, तब भी तमाम 1600 बच्चों पे मुकदमे सरकार द्वारा दायर किए गए थे। और अब भी कमेटी मुख्यमंत्री और डिप्टी CM से मिली है, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर आश्वासन दे दिया। अब आगे ये समाज जागरूक हो चुका है और आने वाले समय में 26 नवंबर को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में जंतर मंतर पूरी कोल और अखियर पूरे देश से लाखों की तादाद में जाता है। हमारे पास अभी देखो, चुनाव के लिए जब हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी तब एक बात कही थी कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। अगर सरकार हमारी 2024 तक अगर अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं करेगी तो आने वाले समय में हमें सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार। कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे क्षेत्र के जो हमारे प्रतिनिधि करते हैं, हमारे चाहे MP हो चाहे MLA रहे हो, उनकी रही है, क्योंकि वो पूरे अच्छी तरीके से पैरवी नहीं कर रहे। पूरी लोग जागरूक है, आपने देखा होगा कई बार खेड़की डोला में प्रोटेस्ट हो चुका है और तकरीबन 30-30 सांसद और 100 से ज्यादा MLA मंत्री चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने आके आश्वासन दिया है और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि ने भी लेटर के द्वारा उन तक बात पहुंचाई है। पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। अब वो समय आ चुका है कि सरकार को हमें दिखाना पड़ेगा कि आने वाले समय में आगे हीरो की वोट की ताकत क्या है। इस सरकार को भी पलटने का कार्य हम लोग करेंगे। अहीर रेजिमेंट हमारी आनी सही है। अच्छा, सरकार मांग नहीं माने क्या होगा? ना मानने के मांग तो जोर लगाऊंगा, हम ही करेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी।